दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक पर आप अपना रील्स को शेड्यूल में कैसे पोस्ट कर सकते हो। और ये शेड्यूल वाला ऑप्शन उन लोगों को चाहिए जो लोग ओरिजिनल रील्स क्रिएटर हैं, जो लोग कम से कम दिन में 3 से 4 या फिर 5 रील को अपलोड करते हैं। उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है शेड्यूल करके पोस्ट करने की, शेड्यूल करके रील को पोस्ट करने की। लेकिन जो लोग नॉर्मल से क्रिएटर हैं, जिनको बस आना है और जाना है, जैसे कि एक रील्स पोस्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है एक रील से ज्यादा अपलोड करने की, तो उन्हें जो है कि ये शेड्यूल वाला ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन शेड्यूल करने का ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग ओरिजिनल क्रिएटर हैं। तो अगर आप भी एक ओरिजिनल रील क्रिएटर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपना रील्स को किस तरह से शेड्यूल करके पोस्ट करेंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा चीजें समझाऊंगा कैसे जो कि आप अपना रील्स को शेड्यूल करके पोस्ट कर सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले, इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे इस वीडियो को देखना, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए मैं कुछ इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फेसबुक है, मैंने फेसबुक को ओपन किया। अब फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो आपके सामने वो राइट समथिंग हेयर का एक ऑप्शन आता है, जहां से आप क्या करते हो वीडियोज को पोस्ट करते हो। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ राइट समथिंग हेयर। अब यहाँ पर देखो व्हाट्स ऑन योर माइंड, तो यहाँ पर हमें फोटो या फिर वीडियोज को अपलोड करना होता है, तो यहाँ से हम वीडियोज को अपलोड करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर वीडियोस को अपलोड करोगे लॉन्ग वीडियो को इन स्ट्रीम एड्स के लिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अपने वीडियोस को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियोस को ले लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और आपको कहाँ से होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो 1 मिनट 36 सेकंड का एक वीडियोज है। इस वीडियो पर आप लिख लो यहाँ पर जो भी लिखना है, लिख लेने के बाद जैसे कि मैंने हाई लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने की खातिर। देन यहाँ पर देख सकते ये नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लॉन्ग वीडियो में क्या आता है, शेड्यूलिंग ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है, शेड्यूलिंग ऑप्शन, मतलब जो कि आप इस वीडियो को शेड्यूल कर सकते हो। अगर आप एक लॉन्ग वीडियो क्रिएटर हैं तो आप यहाँ से अपना पोस्ट को, अपना वीडियो को शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर शेड्यूल फॉर लेटर, यहाँ पर जो भी डेट है, जिस डेट में, जिस टाइम में आप पोस्ट करना चाहते हैं, वो टाइम को सिलेक्ट करके रख सकते हो। लेकिन अगर यही चीज यहाँ से अगर अपने रील्स को क्रिएट करना चाहेंगे, रील्स को अपलोड करने की सोचेंगे, तो आपका जो कि यहाँ पर नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो ये रील्स चल रहा है इधर, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो क्रिएट रील वाला ऑप्शन है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे सामने वीडियोज आ जाएगा, जो भी आपका गैलरी है गैलरी आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कोई सा भी एक वीडियोज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, छोटा सा वीडियोज को। तो यहाँ पर देखो ये रहा एक वीडियो, मैंने इस वीडियो को यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ से हमें शेड्यूल करने का ऑप्शन देता है कि नहीं देता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला बटन है जहाँ से आप करते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपको डिस्क्राइब योर रील, आपको रील के बारे में जो भी बताना है यहाँ पर बता सकते हो। बट यहाँ पर देखो हु कैन सी दिस रील, यहाँ पर पब्लिक करने का ऑप्शन मिलता है। देखो पब्लिक, पब्लिक में जाओगे तो फ्रेंड पब्लिक और फ्रेंड एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर यही सारा चीज मिलता है। बट यहाँ पर अगर आपने मतलब ये इस पोस्ट को, इस रील्स को पोस्ट करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर आपको शेड्यूलिंग का कोई ऑप्शन नहीं देता है। अब आपको अपना रील्स को शेड्यूल कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को लॉन्ग वीडियो इसीलिए दिखाया, अगर आप एक लॉन्ग क्रिएटर हो तो आपके लिए यही से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रील्स क्रिएटर हो तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आप सर्च बार में यहाँ पर मेटा बिजनेस सुइट, मेटा बिजनेस सुइट सर्च करोगे, यहाँ पर आपके सामने आएगा इस तरह का। देखो ये रहा मेटा बिजनेस सुइट, इसे आप इंस्टॉल कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो। ऑलरेडी अगर आपके पास है तो इसे अपडेट मांगा जा रहा है, तो आप इसे अपडेट कर लो, आपके लिए बेहतर है। फिर आप इसे ओपन करो, ओपन करने से आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको पहले अपना पेज से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, पेज से ही लॉगिन होगा यहाँ पर, ठीक है। देन आपको यहाँ पर देखो रील्स का ऑप्शन मिल जाता है, स्टोरी, एडवर्टाइज, जो भी करना है, मीडिया अपलोड करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रील्स में क्लिक करता हूँ, ये जो रील्स वाला ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर से मैं क्या करता हूँ, वही वीडियोस को ले लेता हूँ जिस वीडियो को मैंने आप लोगों को वहां पर दिखाया था, लेकिन शेड्यूल का कोई ऑप्शन नहीं दिया था, तो यहाँ पर मैंने उस वीडियो को ले लेता हूँ। देखो ये रहा वीडियो, यहाँ पर आ गया। आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर नेक्स्ट में मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो डिस्क्राइब योर रील, जो भी लिखना है लिख सकते हो अपना रील्स के बारे में। देन यहाँ पर नीचे देखो शेड्यूलिंग ऑप्शन का आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है, शेड्यूलिंग ऑप्शन। देखो पब्लिश नाउ, अगर आपको अभी पब्लिक करना है तो आप पब्लिश नाउ करो,
अगर बाद में आपको इसे पोस्ट करना है तो शेड्यूल फॉर लेटर यहां पर आपको क्लिक करना है। शेड्यूल फॉर लेटर में क्लिक करने के बाद टुडे हो या फिर जिस भी डेट में करना चाहते हैं, जिस भी टाइम में करना चाहते हैं, उस टाइम में क्या करो, आप अपना वीडियोस को, अपना रील्स को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर शेड्यूल में क्लिक करोगे तो आपका रील्स जो कि यहां से शेड्यूल हो जाएगा और जिस टाइम में आप अपना रील्स को पब्लिश करना चाहते हैं उस टाइम में आपका जो कि रील्स पब्लिश भी हो जाएगा। तो हो गया ना आसान चीज। आप इसी तरीके से अपना रील्स को, जितने सारे रील्स है वो सारे रील्स को मेटा बिजनेस सूट में आके आप अपना रील्स को शेड्यूल में पोस्ट कर सकते हो। तो अगर आप भी एक ओरिजिनल क्रिएटर है, रील्स क्रिएटर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना रील्स को किस तरह से शेड्यूलिंग पोस्ट करना है ताकि आप एक एक दिन में 5 रील्स 10 रील्स को आप शेड्यूल करके रख दोगे, टाइम टू टाइम ये पोस्ट होता जाएगा। पूरा सिस्टम समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको अब इस समय अगर आपको इस वीडियो को पसंद आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर कुछ इस तरह का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।